नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास चार मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड हमारा कहता है इक्वेशन इन विच वेरिएबल इज सेपरेबल। वेरिएबल को आप सेपरेट कर सकते हो। हाँ बेटा, कॉल आई है। ज्योति तो तीन बेटा म्यूट करो। इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब वो कैसे होगा? मान लो आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, तो अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाऊं तो उसमें क्या होगा? जो डी वाई है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इन वाई वाली टर्म्स के साथ। तो साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो दिस इज डी एक्स। ठीक है, अब हमने एक चीज सीखी थी विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अगर किसी को याद हो तो इंटीग्रेट कैसे करते थे? जब हमें एक डेरिवेटिव होता था यहाँ पे डी वाई या डी एक्स, तो हम इसको इंटीग्रेट करते थे। वही काम करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ताकि आपकी वाई और एक्स की वैल्यू मिल जाए। इंटीग्रेट करने के बाद साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन। अब साइन वाई डी वाई, क्योंकि प्लस आ रहा है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, तो साइन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? बोलो भाई। माइनस कॉस वाई वेरी गुड वेरी गुड लक्षित। माइनस कॉस वाई प्लस, अब ये देखो ये दो हैं, अगर ऐसे दो प्रोडक्ट में होते हैं फंक्शंस तो हम क्या करते हैं, कौन सा वाला रूल लगाते हैं? अगर किसी को याद हो तो याद है ये रूल, आइलेट। मैम आईलेट रूल लगाते हैं। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो आइलेट में पहले क्या होता था? इनवर्स लीनियर एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो वाई क्या है मेरा? लीनियर है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, यानी कि वाई को मैं फर्स्ट लूंगी और कॉस को मैं सेकंड लूंगी। तो उसमें क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी बाय डी वाई, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इसका डी वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस कॉस वाई और इसका होल इंटीग्रेशन, ये करते थे हम।
जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये तो बन गया माइनस कॉस ऑफ वाई प्लस वाई, कॉस का इंटीग्रेशन है साइन, माइनस डीवाई ओवर डीवाई तो ये तो वन हो गया, इनटू कॉस का इंटीग्रेशन है साइन वाई और डीवाई और इसका भी इंटीग्रेशन। जब इसको सॉल्व किया तो माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई और साइन का इंटीग्रेशन इज कॉस, कॉस नेगेटिव का तो इट विल बी प्लस कॉस वाई। अब ये सारी चीजें आ गई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये सिर्फ मैंने जो सॉल्व करा है ये मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा है। अब मुझे क्या करना है, इसको भी तो इंटीग्रेट करना है, ये रह गया था, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं तो उसके अंदर एक्स वन सॉरी टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स आ रहा है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो टू बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स एक्स ओनली और ये डी एक्स। सेम आईलेट वाला फंक्शन लगाना है हमको, आईलेट वाला फंक्शन लगाओगे तो हमारा इनवर्स ये लॉग है, लॉग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। सो लॉग को मैं क्या लूंगी, फर्स्ट फंक्शन लूंगी, फिर एल्जेब्रिक सेकेंड फंक्शन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विल बी सीधा मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर बाय टू। जैसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कराई थी आपको वैसे ही करना है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रही हूं माइनस फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ, बेटा म्यूट कर लो, श्रावणी म्यूट कर लो, तो बेटा ये क्लास रिकॉर्डेड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, आपको ही बेनिफिट होगा बाद में जब मैं शेयर करूंगी, तो कोशिश करो हिंड्रेंस ना हो। आप क्वेश्चन पूछो नो डाउट, बट आप ये बीच में ऐसे ऑन मत करो जिसमें डिस्टरबेंस हो, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं आपको क्या करा दी। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर टू, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज हो जाती थी और उसी से डिवाइड हो जाता था, ठीक है। प्लस सी भी आप कर सकते हो, प्लस सी लास्ट में करना है बाद में करना है और उस पे भी कर सकते थे, कोई कांस्टेंट तो ऐड होता ही है इंटीग्रेशन। चलो टू लॉग ऑफ एक्स एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू भी एज इट इज माइनस लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज वन ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ओवर टू, एक एक्स तो कट गया एक्स बाय टू यानी कि वन बाय टू बाहर आ जाएगा, टू लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वन बाय टू बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन इज अगेन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस, ये मेरी कहानी बन गई, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसी चीज है जिसको आप सॉल्व करके रिप्लेस कर सकते हो इस इक्वेशन से, तो जैसे कि मैंने माइनस, अब ये देखो इसमें कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, सो यू हैव ओनली दिस थिंग। अब सी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, आप एक लास्ट में सी ऐड कर देना, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो लॉग के फंक्शन में अगर किसी को याद हो, मैम हाँ बेटा बोलो, एक एक्स का इंटीग्रेशन ही है शायद। एक एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ हाँ सॉरी सॉरी ये ऊपर वाला एक्स भी बच गया, वही मैं कह रही हूं ना,
डिस्टरबेंस करोगे ना तो वो रह जाता है, इसलिए मेक श्योर ना करो। हाँ ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाले एक्स का इंटीग्रेशन तो रह गया, हमने अभी तो सिर्फ इसको सॉल्व करा आइल्स का रूल लगा के, आइलेट का रूल लगा के। हाँ तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर बाय टू और आ रहा है और प्लस सी आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाय टू है। अब ये देखो माइनस, ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ये 1/4 है और ये हाफ है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे सो यू विल गेट टू लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, और टू भी कॉमन ले रही हूँ, सो आई एम लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर बाय टू, मैंने कॉमन ले लिया, आई एम लेफ्ट विद, यहाँ पे तो 1 है, 1 माइनस 1/2 है ना, प्लस सी, सो दिस विल बी हाफ अगेन, सो इट इज टू लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस 1/2 इंटू, मैंने अब इसको 1/2 लिखा है फॉर अ रीजन। इंटीग्रेशन हाँ बेटा अभी ना बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, मैम कुछ बोलिए, इंटीग्रेशन आ भाई गया कौन है? बेटा, सब मिक्स्ड है, इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर को बहुत ध्यान से करना चाहिए था आपको। अब देखो एक्स स्क्वायर, फर्स्ट सेमेस्टर में भी टीचर नहीं आए थे, कौन से टीचर नहीं आए थे, मैंने ही पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में आपको। एक्स स्क्वायर बाय टू और एक्स स्क्वायर बाय टू कॉमन ले सकते हो इसमें से, सो टेक दिस कॉमन एक्स स्क्वायर बाय टू। और यहाँ पे क्या बच गया, टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/2। बट ये टू हम यहीं से ही अगर कैंसिल कर दें तो एक्स स्क्वायर हमने अगर कॉमन ले लिया, ये टू इस पूरी ब्रैकेट में आ रहा है, सो दैट मीन्स टू यहाँ पे भी आएगा, सो दिस टू विल अगेन कैंसिल आउट एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली एक्स स्क्वायर बाय टू। हाँ बेटा आयुष बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? बेटा अननेसेसरी अपना माइक ऑन मत करो, कुछ बोलना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो तो बेशक पूछो। अब ये देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू है, ये प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू है, वैसे ही कैंसिल हो गया प्लस सी। अब मेरे पास वहां पे क्या बचा था, वाई साइन वाई, और यहाँ पे क्या बचा था, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, तो मेरा जो रिजल्ट आया वाई साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हम सॉल्यूशंस की बात करें ना, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन में जिसको डाउट है एक बार इंटीग्रेशन वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाली।
इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन निकालने का, जिसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। मैं दे रही हूं, एक बार ये ट्राई करना आप। वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वाई अपनी स्क्वायर आवाज प्लस प्लस डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स की सारी टर्म्स एक साइड ले जाओ, कॉन्स्टेंट टर्म्स सारी एक साइड, बाकी दूसरी टर्म्स एक साइड ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है, सिंपल। अगर जिसको इंटीग्रेशन आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा था, तो वो कर बना लेगा। देगा बेटा म्यूट कर लो। अंजलि मैम म्यूट कर लो। चलो ये ट्राई करो, आई एम गिविंग यू सम टाइम, फिर मैं तो कराऊंगी ही, लेकिन खुद से ट्राई करोगे तो उतनी चीजें आएंगी। डी वाई बाई डी एक्स की सारी टर्म्स एक साइड ले जानी है आपको।
अमित कुमार बेटा क्या डाउट है बताओ, क्या नहीं साया? बोलो बोलो। हाँ उसके आगे बता दो। ये बता देती हूँ, हाय ग्रुप पे देख लो, फोटो भेज दिया है अच्छा सॉरी। देख रही हूँ बेटा। उसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है बेटा। आदित्य चलो मैं करा रही हूँ, साथ साथ करेंगे। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो दिस विल बी ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की ये टर्म है, ये टर्म है, इसको एक साइड लेके जाना, तो मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ और इसको इस साइड पे लेके जा रही हूँ। तो वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, सो वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, अगर इसमें से कॉमन ले लें सो यू आर लेफ्ट विद एक्स प्लस ए ओनली। तो इसको पीछे लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो डीएक्स है वो ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी वाई माइनस ए वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए डी वाई। पर जब आपने ये चीज कही तो लेट अस सी, यहाँ पे देखो यहाँ पे डीएक्स है और ये वाई है, और यहाँ पे वाई डी वाई है और ये एक्स है, इसका मतलब ये सारी अब उधर चीजें वाई कहाँ गई? स्क्वायर हाँ वाई स्क्वायर, उससे कोई फर्क था। नहीं पड़ता। अब ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, नीचे चली जाएंगी, ठीक है। सो डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस ए वाई स्क्वायर, वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। अरे इसका क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन अगर किसी को आता हो तो कोई बता सकता है कि कैसे होगा? फर्स्ट वाला तो सॉर्टेड है, 1 ओवर x आ रहा है, दैट मीन्स लॉग आएगा। सेकंड वाले में क्या करोगे? चलो पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस ए, दैट विल बी लॉग ऑफ x प्लस ए। राइट, सो दिस विल बी इन। अब ये वाला आ रहा है 1 dy/y माइनस ए वाई स्क्वायर, अगर इसमें से देखो तो क्या हम y कॉमन ले सकते हैं इसमें से? यस वी कैन टेक वाई कॉमन। तो ये क्या बच जाएगा, डी वाई ओवर वाई कॉमन 1 माइनस ए वाई का इंटीग्रेशन। इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो एक तो हो गया 1 ओवर y और एक दूसरा हो गया। सेम वही रूल लगाना है आईलेट वाला, तो अगर आईलेट वाला रूल लगाओ तो दोनों ही एलजेब्रिक है ना। तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, अगर मैं सेम चीज लिख दूं 1 माइनस ए वाई प्लस वाई कर दूं, ठीक है,
और अगर इसको ए से मल्टीप्लाई कर तो मेरे को बताओ ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? मैंने क्या करा है, क्योंकि मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रही हूँ लेकिन मेरे डिनोमिनेटर में दो प्रोडक्ट हैं, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट इट। तो मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, जो नीचे दिया हुआ था ना उसको लिख दिया, जो फैक्टर बड़े वाला था उसको लिख दिया। अब उसमें क्या चेंजेस करूं कि मेरा 1 आ जाए, तो प्लस ए वाई कर दिया तो मेरा 1 आ जाएगा ऑफ कोर्स, तो वो कर दिया। तो अगर मैंने प्लस माइनस सेम चीज कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर इज 1। और नीचे मेरा है वाई 1 माइनस ए वाई। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो, है बेटा किसी को कोई डाउट? चैट में, ग्रुप पे, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो, पूछो। तो आई एम कंसीडरिंग किसी को कोई डाउट नहीं है। बेटा नहीं समझ में आ रहा तो पूछना पड़ेगा ना। चलो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 माइनस ए वाई ओवर वाई इंटू 1 माइनस ए वाई इसका इंटीग्रेशन, प्लस ए वाई ओवर वाई इंटू 1 माइनस ए वाई डी वाई, इन दोनों का इंटीग्रेशन। अब ये देखो 1 माइनस ए वाई 1 माइनस ए वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे वाई वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वाई, अगेन ये लॉग आ गया, लॉग ऑफ वाई, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ए वाई इज व्हाट, अगेन लॉग, लॉग ऑफ 1 माइनस ए वाई। लेकिन अब इसमें देखो जो वेरिएबल है वो नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव होता है, जो वेरिएबल नेगेटिव है और उसके साथ में माइनस ए भी मल्टीप्लाई में है, सो दैट मीन्स वही सेम चीज डिवाइड में होती है, तो माइनस से नीचे आ जाए। यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछो। प्लस तो बस ये हो गया लॉग ऑफ वाई माइनस 1 ओवर ए लॉग ऑफ 1 माइनस ए वाई प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड पे है लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, सारी चीजें एक साइड ले जाओ, और इसको आप लॉग ऑफ सी भी ले सकते हो ताकि हम लॉग को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस ए माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस 1 ओवर ए लॉग ऑफ 1 माइनस ए वाई, सी हो या लॉग ऑफ सी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं लॉग ऑफ सी ही लेके चलती हूँ कांस्टेंट को, ताकि सारे लॉग मेरे सही हो जाएं, इजी हो जाएं, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इसको आप सी लेके चलोगे तो लेट अस टेक स्मॉल सी, मान लो अगर आपने यहाँ पे प्लस सी भी कर दिया और बाद में लेटर ऑन आपको लगा कि मेरे को लॉग से मेरे सही हो रहा है कैपिटल सी, तो यहाँ पे मेंशन कर दो वेयर कैपिटल सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ। ठीक है, अब देखो सारी लॉग की हैं, एक फॉर्मूला होता था लॉग में, मेरा लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम ओवर एन, याद है किसी को? हेलो हेलो मैम, हेलो 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 हाँ बेटा बोलो, आदित्य बोलो बोलो, आवाज आ रही है? मैम, ओहो गूंज रही है ये तो, आवाज आ रही है बेटा? बोलो आदित्य, कुछ बोलना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो? मैम चैट ले रहा हूँ। ओके
देखो ये ए भी मल्टीप्लाई में था, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब मेरे पास ये क्या बचा है, ये लॉग ऑफ एम माइनस एन हो गया और एक और प्लस हो रहा है। तो अगर लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन होता है तो वो क्या हो जाता है, लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय, ठीक है मैम का इंटीग्रेशन। हाँ बता रही हूँ, ठीक है बेटा। बेटा लॉग इंटीग्रेशन ऑफ मेरा आ रहा है 1 ओवर 1 माइनस ए वाई, ठीक है डी वाई। तो जब भी इंटीग्रेशन में कोई भी वेरिएबल होता था, 1 ओवर x होता था, तो उसको क्या हम लिखते थे, लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे ये जो x है ये पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन में हमेशा डिवाइड होता है और डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई होता है, अगर याद हो तो। जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करा तो पावर आगे आ जाती थी और एक पावर रिड्यूस हो जाती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है चीज, और उसमें क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज हो रही है। अगर इसी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे करना है, इसी का इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है, तो क्या होगा, पावर इंक्रीज और उसी से डिवाइड, ये हो रहा है ना। तो अगर मेरे को लॉग मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करना है लॉग ऑफ एक्स का, दैट इज ऑलवेज 1 ओवर एक्स। लेकिन लॉग ऑफ ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए बाय एक्स, क्योंकि लॉग ऑफ ए एक्स का इंटीग्रेशन 1 ओवर ए एक्स हो जाएगा, इनटू सॉरी डिफरेंशिएशन 1 ओवर ए एक्स हो जाएगा, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए, तो ए ओवर ए एक्स। ओहो प्रवीण बेटा म्यूट कर लो। अब इसी में ही अगर मैंने इसको लिख दिया लॉग ऑफ माइनस ए एक्स, ठीक है, तो पहले तो लॉग और कोई भी फंक्शन आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 ओवर माइनस ए एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो फंक्शन अंदर है उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, जब मैंने लॉग ऑफ 1 ओवर माइनस ए वाई, 1 को यू कैन इग्नोर, हम वेरिएबल पे फोकस करेंगे क्योंकि मेरा हमेशा जो फोकस होता है वो वेरिएबल पे होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 माइनस ए वाई इज लॉग ऑफ 1 माइनस ए वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल के साथ में क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड। आदित्य बेटा क्लियर हुआ, और यहाँ यस सर। ठीक है, और यहाँ पे ए ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ए कैंसिल हो गया और नीचे सिर्फ माइनस बचा। तो वो नेगेटिव अगर नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, मैं उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर सकती हूँ, तो ये एम माइनस एन की फॉर्म बन गई, ठीक है। एम माइनस एन की फॉर्म बन गई, मतलब लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन इज लॉग ऑफ एम ओवर एन, ये हम लिख सकते हैं। और अगर मेरे पास प्लस में आता है तो लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय एन, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन दोनों को यूज करते हैं। तो लॉग ऑफ एम माइनस एन इज लॉग ऑफ एक्स प्लस ए ओवर वाई, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। अब वही एम एम प्लस एन वाली फॉर्म बन गई है, तो जब ये एम प्लस एन वाली फॉर्म बन जाती है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो दिस विल बी लॉग ऑफ एक्स प्लस ए ओवर वाई इंटू 1 माइनस ए वाई, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। तो दोनों साइड लॉग हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 एक्स प्लस ए ओवर वाई इंटू 1 माइनस ए वाई दैट इज इक्वल टू सी इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब किसी को नोट डाउन करना है तो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स, आप नोट डाउन कर लो, आगे पीछे कहीं मूव करना है तो मुझे बता सकते हो।
ये क्वेश्चन था। उसके बाद आपके होमवर्क में दो क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद ट्राई करने हैं, क्योंकि ट्राई करोगे तभी कर पाओगे। तो वो है 3e to the power x 10y dx प्लस 1 plus e to the power x secant square y। मुझे लेकिन स्पेस कम हो रहा बेटा, ये सबका हो गया? इफ इट इज डन जस्ट रिप्लाई इन द चैट दैट इट इज डन। लास्ट पार्ट ओके बेटा, नोट डाउन कर लो। वेरी गुड पुष्पेंद्र। ये मैं आपको भेज दूंगी सारे, जो भी ये शीट्स हैं, व्हाइट बोर्ड ये वाली राइटिंग्स हैं, ये सब मैं आपको भेज दूंगी। चलो, होमवर्क में आपको दो क्वेश्चन करने हैं इसी से रिलेटेड। 3e to the power x ओके बेटा, ये लो। चलो, होमवर्क में आपके दो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। तो वन इज 3e to the power x tan y dx प्लस 1 plus e to the power x secant square y dy दैट इज इक्वल टू 0 गिवन y इज इक्वल टू पाई बाय 4 व्हेन x इज 0। सॉल्व x प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर dy बाय dx दैट इज इक्वल टू 1।
ये वाले क्वेश्चंस 4 आपको होमवर्क में करने हैं। अब नेक्स्ट आता है होमोजीनियस इक्वेशन, कर लिया है नोट डाउन? ये मैं भेज दूंगी आपको, जो मैं वर्किंग करा रही हूँ ना वो साथ साथ करो, तभी आप दिमाग में बैठेगी। दिस आई विल सेंड यू। अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के कई मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं। सो फर्स्ट मेथड वाज दिस इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेट, तो उसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सेकेंड फॉर्म आती है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब क्या समझते हो? होमोजीनियस मीन्स सेम, जब वो सिमिलर इक्वेशन आ रही है। तो सेकेंड तरीका है सॉल्यूशन निकालने का इज होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन में इक्वेशन वही होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो आपको फंक्शन दे दिए, फ्रैक्शन में दे दिए या वैसे दे दिए, तो उसमें आपको कैसे करना है। अब मान लो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। आपको एक इक्वेशन गिवन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसने मेरे को ये इक्वेशन वैसी दे दी कि मुझे ऐसा लगेगा कि ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से होनी चाहिए, बट नो। इसके अंदर देखो, आप अगर इसको सेपरेट भी करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में इसको अलग कर ही नहीं सकते, तो अलग नहीं कर सकते तो इसको दूसरा तरीका। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले उसी फॉर्म में बनाएंगे। एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये पूरा डी एक्स के साथ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताओ। है बेटा किसी को कोई डाउट? अब आप ये देखो, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर देखोगे तो डीएक्स है और नीचे भी डीएक्स है, यहाँ पे कहानी सॉर्टेड है। और लेकिन न्यूमरेटर देखोगे तो न्यूमरेटर में इसमें तो वाई है और इसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन ये तो डी वाई एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे जो वाई है, वाई एक अनादर वेरिएबल है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब मेरे पास ऐसी कंडीशन फंस जाती है वाई ओवर एक्स आ रहा है, इग्नोर दिस वाई ओवर एक्स फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे भी डी वाई बाय डी एक्स आ रहा है, तो उस केस में मैं कुछ एज्यूम कर लूंगी। तो इधर मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ, लेट, ये मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे। हाँ बेटा नितिन बोलो। इस केस में क्या करना है, वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अब ये देखो, ये वाली फॉर्म की बात करूं, ये देखो वाई ओवर एक्स आ रहा है,
यहाँ पे वाई ओवर एक्स आ रहा है और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, यही फॉर्म आ रही है ना। तो इस वाई ओवर एक्स को अगर मैं एज्यूम कर लू वी, तो वाई क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे क्या आया, वाई की वैल्यू क्या आई। और अभी इसी को करते हैं राइट हैंड साइड को, या इसको डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो प्रोडक्ट आ रहा है, तो यानी कि पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो इसके अंदर वी को एज इट इज लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एक्स का क्या आ जाएगा, वन, प्लस एक्स को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, अब यानी कि डी वाई बाय डी एक्स की जगह पे आई कैन राइट वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये हम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, जहां पे ये कहानी होगी वहां पे क्या करोगे। तो वहां पे हम लोग पहले इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे इसे डी वाई बाय डी एक्स इसको ले लेते हैं इक्वेशन वन, बेटा अजय म्यूट कर मतलब लो, अजय म्यूट कर लो बेटा, सब्स्टिट्यूट डी वाई बाय डी एक्स इन इक्वेशन वन। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स की जगह पे आ जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। इधर देखो वाई ओवर एक्स इज वी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स आर है। ये मैं रफ में आप सॉल्व करोगे, मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके बता रही हूँ, यू विल डू इन रफ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिद्धार्थ बेटा म्यूट कर लो, क्या प्रॉब्लम हो गई है सबको। अब अगर इस एक्स को मेरे को रिमूव करना है, मतलब या तो इसको मेरे को स्क्वायर रूट में लाना है, तो दैट मीन्स मेरे को इसको एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का रूट होल रूट, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वन प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। ये सब रफ वर्क है, ये आपको समझाने के लिए किया गया है, आप रफ में करोगे ये। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, वन प्लस वी का स्क्वायर रूट, इसकी जगह पे यही पुट कर देंगे। तो ये आ गया वन प्लस वी का स्क्वायर का रूट। इधर तक किसी को कोई डाउट तो पूछो, दोबारा रिपीट कर दूं। बोलो बेटा किसी को कोई डाउट, दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है, सो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये मेरे को इक्वेशन दे रखी थी। अब अगर ऐसी इक्वेशन अगर आपके पास आती है और आपको वाई बाय एक्स मिल जाए फॉर्म और डी वाई बाय डी एक्स मिल जाए, पहले तो इस इक्वेशन को आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डी एक्स और डी वाई को सेपरेट कर दोगे तो स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन करना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो अगर वी उसको पहले तो सेपरेट कर दो और उसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर बना दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी आया। अब जो भी आने के बाद आपको फॉर्म देखनी है, यहाँ पे भी वाई बाई एक्स है और यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है। तो ऐसे केस में हम वाई बाई एक्स को वी एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि वाई क्या हो गया, वी एक्स हो गया। उसको डिफरेंशिएट करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा
उसको डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। वैसे हर क्वेश्चन में यही आंसर आएगा, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। ये मैं आपको बता रही हूँ याद करने के लिए, मतलब याद नहीं करना, दैट गलती अगर गड़बड़ कर रहे हो तो चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। तो वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। अब नीचे एक्स था डिनोमिनेटर में होल के, तो वाई बाई एक्स अलग हो गया, तो दैट इज वी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स, ये मैंने रफ में सॉल्व किया है, एक्स रूट के बाहर है। अगर मेरे को इसको रूट में लेना है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता है, एक्स होता है ना, तो यानी कि एक्स को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस होल का स्क्वायर हो गया। अब जब होल से डिवाइड हो रहा है तो अलग अलग भी डिवाइड हो सकता है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज वन प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, बट वाई ओवर एक्स को तो मैंने वी एज्यूम करा था, तो दिस इज वी स्क्वायर, वही मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो कहानी, डीवी ओवर डीएक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b² ठीक है, ये मेरे पास चीज बची। अब वही कहानी करनी है जो हम वेरिएबल सेपरेबल जनरल फॉर्म में करते आ रहे थे। सो डीवी, अब देखो इसके अंदर एक्स नहीं है ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डीवी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b² दैट इज इक्वल टू डीएक्स ओवर एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको जब इंटीग्रेट करा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b² इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। अब बताओ इसको कैसे, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x², तो उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता था लॉग ऑफ दिस एक्स बी प्लस दिस होल 1 प्लस b² या इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, डीएक्स ओवर एक्स इज लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि मेरे सारे आंसर्स लॉग में आ रहे हैं तो कॉन्स्टेंट भी मैं लॉग ऑफ सी। तो जब इसको सॉल्व करोगे सो दिस विल बी वी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी 1 प्लस b² लॉग ऑफ एम प्लस एन बन रहा है, मतलब एम मल्टीप्लाई एन हो जाएगा, तो दिस विल बी लॉग ऑफ एक्स सी और ये लॉग ऑफ दिस, लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि वी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b² इज इक्वल टू एक्स। यहां तक किसी को कोई भी डाउट तो यू कैन आस्क। है बेटा कोई डाउट? अब मुझे कुछ नहीं करना, आई जस्ट हैव टू रिप्लेस वी की जगह पे उसकी वैल्यू जो मैंने अज्यूम करी, यही कर रही हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। वी की जगह पे क्या आएगा, वाई बाय एक्स, सो वाई बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y/x का स्क्वायर, यानी कि y² ओवर x² दैट इज इक्वल टू x, यानी कि y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y² स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² डिवाइडेड बाय x² का रूट विल बी x ओनली, तो इस होल में x है दैट इज इक्वल टू x, will be y plus square root of x² plus y² is equal to x². This is the required solution.
नोट डाउन कर लो। वी लेने से हमारी चीजें कंपैरेटिवली इजी हुई। Once you are done, just let me know that you are done. वेरी गुड अभिनव। बाकी किसी का नहीं हुआ? चलो जी, इफ यू आर डन लेट अस ट्राई सेम क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और लेते हैं। तो आपको सॉल्व करना है x 10 y/x। देखो यहीं से ही क्लियर हो गया मुझे होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा। सीकेंट स्क्वायर वाई बाई एक्स, और ये सब ब्रैकेट में आ रहा है और बाहर आ रहा है dx प्लस। बेटा विराट क्या हुआ? बंद करो, म्यूट करो, कुछ पूछना है? ये क्वेश्चन हमें करना है। अब देखो इसके अंदर देख के ही मुझे दिख रहा है कि y बाय एक्स है, तो y बाय एक्स को मेरे को v लेना, तो वही कर लेते हैं हम। पहले तो dy बाय dx बना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ। इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा? x 10 y/x x² y/x -4 -4 -4 माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव बन जाएगा। वाई सीकेंट स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस x 10 y/x डिवाइडेड बाय x सीकेंट स्क्वायर। अब देखो y बाय एक्स की फॉर्म यहां पे भी, इसको सेपरेट आउट कर दो। y बाय एक्स सीकेंट स्क्वायर y बाय एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर y बाय एक्स माइनस x 10 y/x डिवाइडेड बाय x सीकेंट स्क्वायर y।
ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये भी ये हो गया वाई बाय एक्स माइनस टेन वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय, मैं इस टेन को छेद क्यों नहीं रही हूं, क्योंकि मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर वाई बाय एक्स इज सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन इज टेन, इसलिए वी आर नॉट, इसको हम बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा रहे, ये मेरा बहुत इजी क्वेश्चन। अब ये मेरी वो फॉर्म बन गई है वाई बाय एक्स वन, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप वही होना है, लेट अंजलि मैम म्यूट कर लो प्लीज। यस फिर आप कुछ बोलना चाह रहे हो? बेटा फोन कर लो, विराट कौन है ये, विराट कोहली। वाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी, सो वाई इज इक्वल टू बी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, मैंने कहा था सेम रिजल्ट आएगा, तो आपको बिना सोचे सेम रिजल्ट निकले। अब क्या करना है, सब्सिट्यूट डी वाई बाय डी एक्स इन, इसको अज्यूम कर लो इक्वेशन, करो सबसे ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, बी प्लस एक्स डी वी वाई, ठीक है। माई सेल्फ विराट कोहली, कौन है ये विराट कोहली, आपकी क्लास में तो कोई बच्चा नहीं है विराट कोहली, ये खुद ही लीव कर गया। बेटे यहाँ पे टाइम पास के लिए बैठे हो तुम, कौन है ये, नाम बदल बदल के यूजलेस बातें बोल रहे हो, माई सेल्फ विराट कोहली। सिलेबस पता है हुआ नहीं है, अब वाई बाय एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वी प्लस, अच्छा माइनस टेन वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर वाई बाय एक्स, यहाँ पे किसी को कोई डाउट पूछ, है किसी को कोई डाउट,
अजय तुम पढ़ नहीं रहे हो क्लास में, क्या टेस्ट चल रहे हैं तुम्हारे? चैट में सिर्फ वही लिखेगा जिसको कोई डाउट है, या मैं पूछ रही हूँ कि जब मैं कुछ पूछ रही हूँ उसका आंसर करना है। ये फालतू की यूजलेस बातें मत करो चैट में। अबे तुम्हें पढ़ाऊं या चैट चेक करूं क्या यूजलेस टेक्स्ट कर रहे हो? पता है सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा मेरा सीकेंट स्क्वायर बी ओवर टैन बी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर। जो इंटीग्रेट करना है माइनस सीकेंट स्क्वायर बी ओवर टैन बी डी बी को, और मुझे इंटीग्रेट करना है डीएक्स ओवर। तो dx ओवर x तो सीधा log ऑफ x, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको इधर उधर भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया log ऑफ x। अब आपको पता है कि tan का जब tan v dv है, यानी dv मतलब टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा अगर मैं करती हूँ तो यू विल गेट सीकेंट स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन में हम अज्यूम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम टेन थीटा को या टेन बी को हम टी ले लेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर बी डी वी इज इक्वल टू डी टी। ये करना है आप, ये रफ में नहीं चलेगा, ये फॉर्मूला है, ये आपको समझाने के लिए बताया और ये आपको करना है, ये यूज करना है क्वेश्चन। सो यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, डी टी ओवर टी, और ये माइनस का आ रहा है और इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या बना, डी टी ओवर टी मतलब लॉग ऑफ टी मतलब माइनस लॉग ऑफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी बी ले सकते, ठीक है। अब टी को उधर ले जाओ तो ये क्या आ गया, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ टी प्लस लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। टी की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हो और देखो सब चीजें प्लस हो रही है, मतलब मल्टीप्लाई, लॉग ऑफ टी की जगह पे टैन बी प्लस लॉग ऑफ सी जी, यानी कि एक्स टैन बी इंटू सी ले सकते हो। अब आपकी चॉइस है, आप सी को इधर ले लो, आपकी चॉइस है आप सी को उधर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को लॉग रिमूव करना है तो इसको इधर भी लिख सकते, दैट इज अगेन योर चॉइस। यहाँ ले ले लोगे या इसको अगर इधर लोगे तो मल्टीप्लाई, दोनों काम कर सकते, तो लॉग दोनों के रिमूव। लॉग ऑफ एक्स टैन बी और लॉग ऑफ सी दोनों के लॉग रिमूव हो गए तो एक्स ऑफ टैन बी इज इक्वल टू सी, ये मेरे पास कंडीशन।
अब मुझे सिर्फ v की वैल्यू पुट करनी है, x tan y by x इक्वल, देखो कितना सिंपल सॉल्यूशन है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, प्रोवाइडेड आपको थोड़ी सी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आती हो तो चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करना है एक्स प्लस वाई डी एक्स वाई माइनस सिक्स डी वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स टू एक्स वाई वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। बहुत है एक ट्रिग्नोमेट्री डी लेट अस टेक अ ब्रेक ऑफ लाइक 5 मिनट्स। कौन नो इट्स नॉट है ये सविता भाभी?